थंबनेल देख के तुम लोग ये सोच रहे हो कि आखिर सलमान खान ने क्या चीज झूठ बोला है। सलमान खान मतलब झूठ क्या उसने बोला है, आखिर क्या झूठ बोलेगा जो जनता से अभी तक छिपा रहा, जिसका पता कोई भी यूट्यूबर अभी तक नहीं लगा पाया। तो सलमान खान ने क्या झूठ बोला है मैं बताता हूँ आज के इस वीडियो में। और एक चीज समझना, अरे बिग बॉस को मतलब अपने स्क्रिप्ट से क्या वो बिग बॉस दूर जाते जा रहा है, जैसे जैसे उसको पैसे मिल रहे हैं, जितना ज्यादा पैसा मिल रहा है वो अपने स्क्रिप्ट से दूर जाते जा रहा है। आखिर बिग बॉस कितने दिन तक अपने स्क्रिप्ट से ऐसे दूर भागेगा, कितने दिन तक पैसों की लालच में अपना जो वीक है वो एक्सटेंड करते रहेगा। वो यूट्यूबर यार चिंते में है, तुम कुछ पैसे नहीं दे रहे होगे, वो बाहर अब तक कुछ पैसे वो कमा लिए होते हमने वीडियो डाल के, कुछ तुम्हारे घर में रहने से उनको फ़ायदा हो नहीं रहा है। जो जो मैंने अभी बातें बोली ये सब बातें सोच के सुन के तो आप सबको ये लग रहा होगा कि मतलब क्या बोल रहा है। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना उस बात का मैं क्या है क्लियरिफिकेशन दूंगा। मेरे पास क्या है पूरा वो चार्ट बना पड़ा है, खाने वाला छोला चाट नहीं, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन का चार्ट मैंने बना रखा है, क्या है कैसे है किधर है। मैं क्या अपने वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, लेकिन जब लिखने लगता हूँ ना तब रुकता भी नहीं हूँ, मतलब दबा के स्क्रिप्ट लिखता हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें लिखता हूँ किसी ने सोची ना होगी। देखो जो जो चीज़ मैं बोलूँगा बस आपको क्या करना है इसमें डेट को नोटिस करना है और डेट को ध्यान में रखना है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सन 1991 जब पूजा भट्ट को लॉन्च किया गया वो उसके डैडी ने किया था, वो भी ऐसी पिक्चर से जिसके पिक्चर का ही नाम था डैडी। आप सब ये भी सोच रहे होगे कि सीधे बिग बॉस से क्या ये पूजा भट्ट के करियर पे चला गया, कहाँ से स्टार्टिंग किया था, कब जन्म लिया था, पूजा भट्ट ने कहाँ चले गए तुम। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बस ध्यान से आप सुनते रहे ना, इसी में पूरा राज छुपा हुआ है। जो उसके स्टार्टिंग करियर था और जब लास्ट तक आती है ना, इसी में सारे उसके बिग बॉस में आने का क्या करने का सारे चीज़ का राज छुपा हुआ है। डैडी के बाद ये फिल्म कोई उतना ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद इसके पापा क्या बड़े डायरेक्टर थे, महेश भट्ट, महेश दल्ले का नाम तो सुना ही होगा ना, तो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो एक से एक लेके बड़ी बड़ी फिल्में बड़े बड़े हीरोज़ के साथ मिलती गई पूजा भट्ट को, और ये सिक्वेंस ऐसे ही बरकरार रहा 1998 तक। मतलब जख्म फिल्म आई थी उसकी 1998 में, उसके बाद सीधे पूजा भट्ट ने 11 साल का गैप लिया, पता नहीं किस कारणवश लिया लेकिन लिया, और सीधे 2009 में आई सनम तेरी कसम फिल्म के साथ। ये फिल्म ने कुछ ऐसा कुछ कमाल नहीं किया, मतलब क्या होता है आप कितने भी बड़े स्टार बन जाओ, बहुत बड़ी स्टार बन गई थी ये 7-8 सालों में ही, तो आप कितने भी बड़े स्टार बन जाओ लेकिन आप जैसे 10 साल 11 साल 4 साल 5 साल ऐसा गैप लगाओगे ना। अब क्या है सोशल मीडिया का जमाना है, शाहरुख खान ने भी बड़ा गैप लिया लेकिन क्या चारों तरफ क्या दिखते रहता है हर एक चीज़ उसके उसकी पोस्ट, मतलब आदमी देखते रहता है। उस समय क्या था सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो सनम तेरी कसम 2009 में उसकी फिल्म ये भी फ्लॉप ही साबित हुई लगभग। फिर उसने वहाँ से भी 5 साल का गैप लिया, 2024 में आई पता नहीं किस फिल्म के साथ, उसका नाम भी थोड़ा अजीब सा है, मतलब वो फिल्म तो ऐसी फ्लॉप गई कि पूछो मत, किसी ने देखी ना होगी वो फिल्म, बहुत गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने वो फिल्म देखी होगी। फिर उसके बाद भी 6 साल का गैप लिया और सड़क फिल्म इसकी थी, वो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी सड़क टू फिल्म, ये लेके आई वो फिल्म भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। तो इसको पता चल गया कि मैं अब समाज से विलुप्त होते जा रही हूँ, जैसे कुछ कुछ सांप वाप होते जा रहे हैं विलुप्त, इसको भी ऐसा लगा। तो ये अपने पापा के पास गई कि कुछ उपाय करो, जब ऊपर से लेके नीचे तक लेके आए तो अब भी तुम्हें कुछ उपाय करो, मेरा क्या करना है क्या नहीं। तो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया हमारे महेश भट्ट, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और भी ये बहुत कुछ है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ये बहुत कुछ है। ये करण जौहर के राइट हैंड हैं या करण जौहर इनके राइट हैंड है पता नहीं, मतलब इन दोनों में क्या बहुत अच्छा बॉन्डिंग है इनके में और करण जौहर में। महेश भट्ट के पास इसको पूजा भट्ट को रिलॉन्च करने का बस एक ही ऑप्शन था, वो था बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। तो बस एक ही ऑप्शन बचा था लॉन्च करने का, और इतने बड़े डायरेक्टर तो बहुत आसान था इसको लॉन्च करना, पर पता नहीं क्यों इन लोगों को मन में आया कि OTT प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च करते हैं। जो बिग बॉस OTT होता था
इससे पहले सीजन 1 भी हो चुका है OTT, लेकिन किसी को पता नहीं होगा। वो इतना बड़ा फ्लॉप हुआ था ना, वो क्या वूट पे इन्होंने क्या लॉन्च किया था, वूट ऐप पे, जैसे अभी जियो सिनेमा पे आ रहा है, उस समय ये वूट पे आता था 2021 में। ना किसी को ये पता चला कि वो शो चालू कब हुआ था, जो OTT बिग बॉस OTT सीजन 1 था, चालू कब हुआ, उसमें कौन कौन से कॉन्टेस्टेंट थे, किसने जीता, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। तो इनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना यूट्यूबरों को अब की बार OTT में लाया जाए, क्योंकि यूट्यूबरों का जो करियर था बहुत आजकल पिक पे चल रहा था, बहुत ज़्यादा फेमस थे पुकार इंसान, एल्विस यादव, तो क्यों ना यूट्यूबर को बिग बॉस में लेके आया जाए, उससे और ज़्यादा जनता पूजा भट्ट को क्या देखेगी। ये इसका दूसरा दिमाग चला, पहला तो ये बिग बॉस से लॉन्च करना, दूसरा ये दिमाग चला कि यूट्यूबरों को लाया जाए। लेकिन यूट्यूबरों को लाके कहीं ना कहीं ये फंस गए हैं। अभी सबसे ज़्यादा वोट यूट्यूबर्स को ही मिल रहे हैं, इनसे अच्छा यूट्यूबर्स ही खेल रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि एक टास्क अभी पूजा और बेबिका ने जीता है, तो आप सभी को पता ही होगा, जैसा कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा यार, कि पूजा भट्ट के पास मोबाइल रहता है अंदर, उसको क्या पहले ही अगले अगले दिन की स्क्रिप्ट उसके पास आती जाती है कि आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज क्या होगा। स्क्रिप्ट आ गया होगा कि लो रट लो और बोल देना, यूट्यूबर्स तो फंस जाएंगे, तुम लोग बोल देना जल्दी जल्दी। बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के पूजा भट्ट को जितवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर हमारे यूट्यूबर भाई नहीं जीतते हैं तो समझ रहे हो ना क्या करना है, पूरा गाली छेंक देना है। और बहुत लोग तो ये सोच रहे होंगे कि जिस चीज़ के लिए हम ये वीडियो पूरा देख रहे हैं वो चीज़ तो बता ही नहीं रहा है कि आखिर सलमान खान ने झूठ क्या बोला है। सलमान खान ने, आपको जैसा कि याद होगा पिछले वीकेंड का बार जिन लोगों ने देखा होगा, सलमान खान ने फुकरा इंसान को डांटा था। किस लिए? फुकरा इंसान ने ऐसा बोला था कि इस पे जितनी भी जनता देख रही है सब हमारी जनता है। सही बोला था, एक हिसाब से सही बोला था यार। सलमान खान ने क्या उसको बोला कि बिग बॉस की खुद की अपनी भी जनता है, सिर्फ तुम्हारी जनता नहीं है, ये वो, उसको खूब डांटा। अगर बिग बॉस की खुद की अपनी जनता होती ना तो सीजन 1 भी फेमस होता, हमें ये भी पता होता सीजन 1 का विनर कौन है, और सीजन 1 कब आया कब गया किसी को पता ही नहीं लगा, तो कैसे हम मान लें कि बिग बॉस की खुद की जनता है। बिग बॉस OTT सीजन 2 सिर्फ यूट्यूबरों के दम पे चल रहा है, ये बात तुम समझ आए ना आए दिमाग में डाल लो, ठीक है। समझ में नहीं भी आ रही है तो समझो ना, समझना पड़ेगा, क्योंकि सीजन 1 तुम्हारा फ्लॉप रहा, यहाँ ही सारी बातें क्लियर होगी। सीजन 1 फ्लॉप, सीजन 2 इतना ज़्यादा हिट, तो किसकी वजह से? तो यूट्यूबर्स की वजह से। और इस वीडियो में वैसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि बिग बॉस की खुद की जनता है, अपनी जनता यूट्यूबर्स की जनता नहीं है, तो वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। और जिनको लगता है कि सिर्फ यूट्यूबर्स की जनता ही देख रही है बिग बॉस OTT सीजन, कि अपना अपना भी ओपिनियन कमेंट करके बता देना कि आप लोग किसे जिताना चाहते हो, एल्विस यादव या फुकरा इंसान को। किसी कोई भी जीते ट्रॉफी तो मान लो कि यूट्यूब कम्युनिटी में ही आएगी, लेकिन उन दोनों में से कौन जीतेगा? आपको क्या लग रहा है कि दोनों में से कौन अच्छा खेल रहा है, वेल खेल रहा है गेम ये? और एक चीज़, अगर यूट्यूबर्स नहीं जीतते हैं तो सलमान पूजा के साथ साथ पूरे बॉलीवुड को गाली पड़नी चाहिए। और एक बात, अगर वीडियो यार आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो यार। और आपको अगर ये जानना है कि पूजा भट्ट क्यों जीतेगी, क्या रीज़न है, तो मैंने कल एक वीडियो बना रखा है, इससे पहले जो वीडियो होगी ना वही वीडियो क्लिक करके देख लो, 10 मिनट की वो वीडियो होगी, वो देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी क्या फंडा है। इसमें भी बहुत लोगों का क्लियर हो गया होगा जिसका दिमाग तेज़ चलता होगा, जिसका तेज़ नहीं चलता है जाके वो वीडियो देख लो, दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Straight to the